is about आशीर्वाद. और ये मेरा लास्ट पॉइंट है आपको बोलने का, बिकॉज ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका. अगर आपका ध्येय कुछ बनना, किसी स्थान पे पहुंचना है, तो उसकी उसका एक उपाय है कि आशीर्वाद लीजिए. और आशीर्वाद लेने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मुझे दो तरीके मालूम है, वो मैं आपसे बताता हूं. एक आशीर्वाद लेने का तरीका है सेवा, और दूसरा आशीर्वाद का तरीका है झुकना. आप झुक के पैर छूते हैं. जितने बड़े लोग आपको मिले उनके पैर छुओ, और मन से पैर छुओ. आप देखना इतनी आपको आशीर्वाद मिलेगी कि आप बहुत, जितने जितने आप झुकते चले जाओगे उतने उतने ऊपर होते चले जाओगे. द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज नथिंग बट यू बी ऑर्डिनरी 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 एंड यू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. दैट इज द क्रक्स ऑफ लाइफ. दूसरा है सेवा. यदि आप सक्षम हैं, यदि आपके पास सामर्थ्य है, तो सेवा में जुट जाइए. अगर आपके साथ कोई वृद्ध जा रहा है और उसके हाथ में कुछ है, आपको जानता है नहीं जानता है, उसी रास्ते पे जा रहा है, उसका हाथ से बोझ ले लीजिए, चलिए सर मैं आपको लेके चलता हूं. आप एयरपोर्ट पे हो, बहुत सारे लोग होते हैं, लेडीज हैं, बच्चे हैं, विच यू नॉट एबल टू कैरी देयर लगेज, पिक अप देयर लगेज, वॉक विद देम, सर आई विल टेक. सेवा का भाव ऐसे है, कोई मान लीजिए कोई बीमार है, कोई किसी को हेल्प की आवश्यकता, चारों तरफ गंदगी है, आप लग जाइए सेवा में, उठा के झाड़ू सफाई कर दीजिए उसको. आपके हाथ में कुछ है, आप उसको दूसरे को दे दीजिए. सेवा का भाव यह है, अगर आपसे भोजन खाया नहीं जा रहा और आप ये कहते हैं कि साहब पेट भी तो देखना होगा ना, और झूठ छोड़ दे रहे हैं आप, वो झूठ मत छोड़िए. सेवा का भाव रखिए. अगर आप नहीं खा पा रहे हैं, उसको अपने हाथ में ले लीजिए और बाहर जाके किसी कुत्ते को खिला दीजिए, किसी जानवर को, किसी पक्षी को, कौवे को, गिलहरी को, उनको खिला दीजिए, वेस्ट मत करिए, तो बहुत आशीर्वाद मिलेगा. और माय डियर फ्रेंड्स, दो चीजें हैं जिनका आविष्कार हमारे पूर्वजों ने किया और जिसको आज तक साइंस डिसिफर नहीं कर पाई. पहली है आत्मा. अभी भी साइंटिस्ट इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि आत्मा क्या होती है. एक आत्मा, आज पूरा मोदी जी को निकाल दीजिए और फिर देखिए सारा वैक्यूम, अकेला एक व्यक्ति, ये आत्मा का प्रकाश होता है. स्वामी विवेकानंद, पूरा भारत एक आत्मा. किसी ने सोचा था 8-9 महीने पहले कि कोई व्यक्ति जाके मेडिसिन स्क्वायर पे इस तरह से हिंदी में भाषण देगा? कोई सोच भी नहीं सकता था. किसी ने सोचा नहीं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ एक इंटरप्रेटर जाएगा और वो इंटरप्रेटर हिंदी में समझाएगा कि क्या बोल रहा है चाइनीज प्राइम मिनिस्टर प्रीमियर और क्या बोल रहा है प्रेसिडेंट प्रीमियर, जापानीज प्रीमियर. कहने का मतलब यह है कि आत्मा का आविष्कार हमारे पूर्वजों ने किया, और दूसरा हमारे पूर्वजों ने आशीर्वाद का आविष्कार किया. और हम क्या सीख रहे हैं? हेलो, हाथ मिला रहे हैं, बड़ों से भी. शोभनीय है ये. और आजकल के जो प्लेसमेंट एजेंसी वाले जो काउंसलर्स हैं, और वो आपको कॉन्फिडेंस सिखाने के लिए पता है क्या कहते हैं? गो एंड शेक हैंड. अरे भाई, गो एंड शेक हैंड का क्या मतलब? जाओ और पैर छुओ, जाके पैर छुओ, अपने आप आशीर्वाद मिल जाएगा. और आशीर्वाद तो सर्टिफिकेट नहीं होता कि यू आर क्वालिफाइड फॉर दिस, इतने परसेंट मार्क्स हैं, उसमें 100% स्कोर है. माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी बात बता रहा हूं जो आपको बड़ी अटपटी लग रही होंगी, लेकिन जीवन का सार है. और वो बता रहा हूं जो मैंने किया है, और वो भी बता रहा हूं जो मेरी अपनी करने की अभिलाषा है. और जीवन में लास्ट में बोल वाणी को विराम देने से पहले बताना चाहता हूं कि कुछ भी करो, करने से पहले एक बात ये सोच लो कि हमारे माँ बाप ये हमारे इस काम से खुश होंगे कि नहीं होंगे. अगर आपके किसी कार्य से आपके माता पिता प्रसन्न होने वाले हैं, तो जी जान से उस कार्य को करो. और अगर उनको जरा भी दुख होने वाला है, तो इस बात का प्रायश्चित करो कि आपके मन में वो बात कैसे आई उस काम को करने की. क्योंकि जिससे आपके माता पिता दुखी हो, वो आपके मन में सोच भी कैसे आई, ऐसे संस्कार भारतीयों को देने. एक होता है परिचय. हर परिचय के साथ मर्यादा होती है. अब जब हम कहते हैं ये बच्चे बैठे हैं,
इनका क्या परिचय है? इनका परिचय है कि ये बच्चे हैं, और मुंह पे हाथ लगा रहे हैं कह देने के बाद में, क्योंकि इनकी मर्यादा है, ये मानेंगे नहीं, ये मानेंगे नहीं, ये इनकी मर्यादा है। अब देखिए ये छोटे छोटे बच्चे 10 साल 12 साल इनकी उम्र है और पैंट पहने हुए, इनको पैंट पहनने का क्या मतलब, इनको निक्कर में होना चाहिए। आजकल बच्चों का बचपन हम बहुत जल्दी समाप्त कर दे रहे हैं। आजकल माताओं से बात करो कि आपका बच्चा साहब ये जब जाता है ना शोरूम में वहां मॉल में, निक्कर तो लेता ही नहीं, ये तो सीधा पैंट पहनने के लिए बोलता है, बड़े प्रसन्न होके कहते हैं। अच्छा आप भी जो गाउन पहने बैठे हो आज डिग्री ले रहे हो, कितनों के पास निक्कर है बताइए, घर में कितने लोग निक्कर पहनते हैं? कोई भी नहीं पहनता होगा, कोई नहीं पहनता होगा, मैं लिख के दे दूं। और किसी के पास बाइसिकल नहीं होगी और कोई पैदल नहीं चलता होगा, ये 4-5 हाथ उठे हैं वो भी दिखाने के लिए कि भाई हम करते हैं। हर एक यूथ के पास बाइसिकल हो, हर एक यूथ निक्कर पहने, बच्चों की तरह से रहे। बहुत बार आजकल मैं मित्रों से मिलता हूँ, वो कहते हैं साहब वो बाईपास हो गया, फलाना हो गया, मैंने कहा निक्कर है कि नहीं है? बोला निक्कर का बाईपास से क्या मतलब है? प्रॉब्लम है, निक्कर खरीद लो भैया, सारे दिन निक्कर में रहो, अपने आप ठीक हो जाएगा सब कुछ। और ये लिख के दे रहा हूं आपको, क्योंकि जैसा भाव है वैसा प्रभाव है। निक्कर पहनते ही बचपन का भाव आता है, और बचपन में बाईपास होती नहीं, बाईपास तो बुढ़ापे में होती है। तो हर परिचय की मर्यादा है, और मर्यादा का जो एग्जाम्पल है हम सब जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। हर मर्यादा का अपना सामर्थ्य है, और जो सामर्थ्यवान होते हैं वो कीर्तिमान होते हैं। आज के इस शुभ अवसर पर जब आपको डिग्रियां मिल रही हैं, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और मेरी तरफ से आपको आशीष है कि आप कीर्तिमान हो और अपने सामर्थ्य पे आगे बढ़ो, मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए और इस बात को संज्ञान में लेते हुए कि आपका परिचय क्या है। आपका परिचय एक भारतीय है, आप भारतीय हो, आप इस केएन मोदी फाउंडेशन इंस्टीट्यूट से CMD से डिग्री ले रहे हो, ये आपका परिचय है। आपका परिचय है कि आज डिग्री लेने नन अदर देन सॉलिसिटर साहब आए हुए हैं, रंजीत कुमार जी। आपका परिचय ये है कि आप उस कन्वोकेशन में डिग्री ले रहे हो जिसमें ऐसे वाइस चांसलर ने भाषण दिया, पाठन भी है, ये आपके परिचय है। आप अपने हिसाब से जिस तरीके से भी परिचय निर्धारित कर सकते हो। तो परिचय मर्यादा सामर्थ्य और कीर्तिमान, कीर्तिमान भाव, कीर्तिमान भाव। थैंक यू। Thank you, sir, for such motivating and inspiring words. I now request Dr. Amitabh Roy, Director, Center for Management Development, to come over the dais to lead us through the convocation. I request all the CMD students of 2012-14 batch to kindly stand up to take the oath. All the CMD students of 2012-14 batch to kindly stand up. Dr. Amitabh Roy, Director, Center for Management Development. Dear alma mater, I address you so. Speak the truth, be virtuous, do not refrain from work, treat your parents as God, treat your teachers as God, treat your guests as God. Whatever is righteous and virtuous, it is to be accepted and followed, and nothing else. This is the order, this is the preaching, and this is discipline. Yes, sir, to bolo. Yes, sir. Say, I do. I do. Wish you all the best. Thank you. Thank you, Dr. Amitabh. I request all the students to kindly be seated. May I request Captain Rajiv Saxena, Vice President, Dr. K.N. Modi Foundation, to present the citation in relation to the eminence and the aspects of achievements of our chief guest, Honorable Solicitor General of India, Sri Ranjit Kumar Ji. Captain Rajiv Saxena. Shri Ranjit Kumar, Solicitor General of India, Chief Guest,
23rd convocation of Center for Management Development, Modi Nagar. A great humanitarian, legal luminary and jurist par excellence, a passionate advocate for environment protection and conservation of ecology, whether preventing Yamuna and Ganga from pollution or interlinking of rivers for conserving water resources. A person who has been entrusted by the Government of India to advise it on legal matters and to represent it before the legal forums are a few words that describe Shri Ranjit Kumar the best. Shri Ranjit Kumar completed his schooling from St. Michael's, Patna, and moved to Delhi to pursue higher education. He has a degree in economics from Hindu College and a law degree from Delhi University. He started his career as an advocate in 1980 and based on his meritorious work was designated as senior advocate by the Honorable Supreme Court of India. He was appointed as Solicitor General of India on 7th June 2014. Shri Ranjit Kumar has been associated with several high profile cases of national interest. He was appointed as amicus curiae in the Quiet Flows Mary Yamuna case and has done commendable work to rid the Yamuna of pollutants. He is a great environmentalist and has handled the illegal mining cases in Aravali Hill ranges. He has been instrumental in getting the mosque and mazar of Mirza Ghalib in Nizamuddin cleaned and developed as a national icon. Shri Ranjit Kumar is a great humanitarian and has assisted the courts in various cases, highlighting the plight of children of women prisoners and plight of mentally challenged prisoners and provided succor to them. He is assisting the court in the cases relating to the conditions prevailing in beggars' home in Delhi. He took up the matter pertaining to rehabilitation and facilities to be provided to bonded laborers working in the mines and stone crushers. He has headed a committee to oversee the disbursement of compensation to Bhopal gas victims. Shri Ranjit Kumar has been an active member of Supreme Court Legal Services Authority, Secretary, Supreme Court Legal Aid Committee, member, National Legal Services Authority, NALSA, Secretary, Supreme Court Middle Income Group Legal Aid Society, founder member of the Supreme Court Advocates on Record Association, member of the Supreme Court Bar Association, Bar Association of India, and Indian Council of Arbitration. Shri Ranjit Kumar has traveled extensively throughout India and abroad. He is a great patron of music, art, and culture. Shri Ranjit Kumar is married to Srimati Ritu Kumar, who is an artist and music critic. Dr. Devendra K. Modi, President. May I request our President, Dr. Modi, to present the citation to our Chief Guest today. May I request Chief Guest of today, Shri Ranjit Kumar ji, for his blessings. Good afternoon, everybody. Shri Khandalda, Vice Chancellor, Dr. D.K. Modi, Dr. Pathak, Manav Modi, all the faculty members, the guests and invitees in the audience, all students who are graduating, students of all campuses who are here gathered here, thank you for inviting me on this great convocation. First of all, Khandal sahab ne jo baatein aapko batayi hain, uske baad mere liye kuch bolne ko reh nahi jata. Because Khandal sahab ne itni positive baatein batayi hain, jo har bachon ko samajhna chahiye. Mera to pehla occasion hai ki main bachon ke samne kuch bol raha hu, par Khandal sahab क्योंकि बच्चों के बीच में ही रहते हैं तो
उनको उनको बिल्कुल सही बच्चों को जो उपदेश होना चाहिए वो दिया है और मैं उसको पूरी तरह से एंडोर्स करता हूं। जहां तक स्वच्छता की बात है, अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो आप बीमार भी नहीं रहेंगे। उन्होंने जो बड़ी बात कही कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में कही कि अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो आप बीमार नहीं रहेंगे। और स्वच्छता के लिए अगर जो भी आप कर सकते हैं वो बचपन से, जैसे ये छोटे बच्चे हैं, यहीं से शुरू होगा। मुझे याद है हम लोग जब स्कूल में थे तो हमें पढ़ाया जाता था सिविक स्टडीज। आई डोंट नो इन व्हाट फॉर्म इट इज टॉट टुडे, उसका कोई और नॉमेनक्लेचर भी हो सकता है स्कूल में, बट सिविक स्टडीज पढ़ाया जाता था जिसमें वन ऑफ द थिंग्स जो पढ़ाई जाती थी वो